अग्निवीर के खिलाफ आंदोलनकारियों ने बड़ी हिंसा की साजिश रची है। आगरा में बड़ी साजिश को अंजाम देना चाहते थे। रेल पटरियों को उखाड़ने की कोशिश की गई, साथ ही ट्रेन में आग लगाने का भी षड्यंत्र था। आगरा कैंट आरपीएफ ने 5 षड्यंत्रकारियों को गिरफ्तार किया है। अग्निपथ के अग्निवीर योजना के बहाने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देश में उथल पुथल मचाने की बड़ी साजिश रची गई थी। रेल संपत्ति को निशाना बनाने का बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। कई राज्यों में इस षड्यंत्र को अंजाम भी दिया गया। आगरा में भी बड़ी साजिश थी, रेल संपत्ति को पहुंचाने के लिए बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। अग्निवीर नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर नुकसान पहुंचाने की स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। व्हाट्सएप ग्रुप पर षड्यंत्र की स्क्रिप्ट लिखी गई और उसे परवान चढ़ाने की कोशिश भी की गई। आगरा के भांडई रेलवे स्टेशन को टारगेट पर रखा गया था। भांडई रेलवे स्टेशन पर रेल संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाना था, इसका ताना बाना व्हाट्सएप ग्रुप पर बुना गया था। आंदोलन की आड़ में साजिशकर्ताओं ने भांडई रेलवे स्टेशन को निशाना बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस ने मंसूबों पर पानी फेर दिया। आरपीएफ ने रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में काफी संख्या में लोगों को नामजद किया है। रेलवे एक्ट की धारा 153, 147, 174 ए, 145 और 146 में मुकदमा दर्ज किया था। आरपीएफ ने इमरान, अर्जुन, अनिल और कृष्णा को गिरफ्तार किया है। दिनांक 17/6/2022 को जो भारत सरकार द्वारा अग्निवीर नाम से आर्मी भर्ती की जो एक नई प्रक्रिया शुरू की है, उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था युवाओं द्वारा, तो भांडई स्टेशन पे जो शमशाबाद रेलवे रूट है उस पर करीब 350-400 की मात्रा में जो रेलवे लाइन में लगने वाली पेनरोल क्लिप होती हैं उनको प्रदर्शनकारियों द्वारा निकाल दिया गया और ट्रेन परिचालन को बाधित किया गया। प्रदर्शनकारी करीब 60-70 की संख्या में थे, जिनको आरपीएफ और जीआरपी की मदद से खदेड़ा गया। उसी के संबंध में दिनांक 19/6/2022 को आरपीएफ आगरा कैंट पर मुकदमा विभिन्न धाराओं में दर्ज किया गया, जिसमें आज गिरफ्तारी हुई है। 5 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें ग्राम बाद से इमरान, ग्राम मुबारकपुर से अर्जुन सिंह, कृष्णा नंगला भांडई से अनिल चाहर और ग्राम इटोरा से गजेंद्र सिंह, ये 5 अभी अरेस्ट हुए हैं, बाकी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा बताया गया है कि भांडई रेलवे स्टेशन पर रेल लाइन की चाबियों को निकाल लिया गया था। भारी संख्या में चाबियां निकाली गई थी, जिससे ट्रेन हादसे का शिकार हो जाए। इसके अलावा ट्रेन में आग लगाने की योजना भी तैयार की गई थी। मोबाइल इनके चेक किए गए थे, जैसा कि अर्जुन और गजेंद्र का है, उनके मोबाइल में कुछ आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स और आपस में जो ग्रुप चैटिंग है उसके कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है, और इस मामले में जितने भी संलिप्त हैं उनकी भी गिरफ्तारी के जल्दी से जल्दी प्रयास किए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप इन्होंने अग्निवीर के नाम से कोई एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, जिसका इन्होंने बाद में नाम भी चेंज कर दिया। उसी में इन लोगों द्वारा रूमर फैलाया गया कि दिनांक 17 जून को भांडे स्टेशन पर गाड़ियों में आग लगाई जाएगी ट्रेनों में। 5 साजिशकर्ता गिरफ्तार किया चुके हैं, अन्य लोगों की तलाश में आरपीएफ जुटी हुई है। इसके अलावा थाना मलपुरा पुलिस भी कई लोगों को जेल भेज चुकी है, अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन जिस तरीके से साजिश रची गई उसने रेल महकमे के होश उड़ा दिए हैं। अग्निपथ के अग्निवीर योजना के विरोध में भांडई रेलवे स्टेशन पर व्यापक तांडव मचाने की योजना रची गई थी, बड़ी साजिश को अंजाम देना था। रेलवे लाइन की प्लेटों को उखाड़ा गया था, इसके अलावा ट्रेन में भी आग लगाने की मंशा थी। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूरी योजना तैयार की गई थी। आरपीएफ ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, ऐसा बताया गया है। यदि आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस मुस्तैद नहीं होती, भांडई रेलवे स्टेशन पर बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता। आरपीएफ अब अन्य लोगों की तलाश में जुटी हुई है। जिस तरीके से योजना तैयार की गई थी उसे देखकर ऐसा लगता है कि आगरा को भी जलाने की बड़ी साजिश रची गई थी। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़ आगरा।